क्या बात थी? आजजी, बहुत अच्छा लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया, आजजी। यानी अगर आपने बहुत बड़ा भी काम किया है तो आपको भूख में ना आ जाए, आप भूख में आना समझते हैं ना, चला ही नहीं जा रहा, इतने मोटे हो गए फूल के। आपको पता नहीं मैं एक्सलेंट वर्कशॉप करके आया हूं, परे परे हो जाए सारे, और मेरे लिए डबल बेड बिछाएं क्योंकि मैं छोटी चारपाई में पूरा नहीं आऊं। मैं एक्सलेंट वर्कशॉप की है, मैं यूं करके सोया करूंगा। ये भली सूरत हाल नहीं होती साइंटिस्ट, हम्बल आजिज होता है। आई हैव डन माय बिट, आई हैव डन अ लिटिल, बट देयर इज सो मच मोर टू बी डन। चाहे वो कितनी ही बड़ी चीज कर ले, वो बहुत आजिज, और हमेशा उसकी ये फीलिंग होती है कि देयर इज सो मच दैट आई डोंट नो। This feeling that I don't know makes you humble. That feeling is extremely important if you want to be a scientist and if you want to be somebody who does inventions. बहुत मुश्किल लग रहा है, constructive restlessness. Anybody would like to explain this? आप बताएंगे बेटा? उनसे पूछ रहा हूँ। आपकी क्या आपको लगता है constructive restlessness क्या होती है? जो आपको समझ आ रहा है, आप हेल्प करिए, क्या लगता है आपको? बस या स्टिंग पी रहे हैं या जूस है? आपने स्टिंग का इश्तिहार देखा? अरे वो तो होती है, मैं इश्तिहार से थोड़ी किडनी खराब होती है, पीने से होती है। स्टिंग का इश्तिहार देखा? क्या होता है उसको स्टिंग पी के? जीप छलांगे लगाना शुरू करता है, तो बंदर साहब बन जाता है, इधर से उधर छलांगे लगा रहा है, उल्टी छलांगे सीधी। दिस इज रेस्टलेसनेस, बेचैनी। क्या इसका क्या सलूशन है, क्या मतलब है इस बात का, कैसे सॉल्व हो सकता है? सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए बेचैनी, बेचैन होना चाहिए चीज के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए। दिस इज रेस्टलेसनेस, constructive restlessness, and this feeling, और इससे कभी ना डरना। यार ये तो फिर क्लास में मजाक उड़ाएंगे यार, टीचर क्या कहेंगे, लड़कियां क्या कहेंगी यार, या मेरा तवा तो नहीं लगाएंगे, मेरा रिकॉर्ड तो नहीं लग जाएगा क्लास में, लगता है तो लगे। साइंटिस्ट एक तरह से बेपरवाह होता है बहुत सारी चीजों से, और उसमें से एक बेपरवाही उसकी ये होती है। तो जब भी कोई साइंटिस्ट नई बात करता है, एक ऐसी बात करती है जिसने पहले नहीं सुनी हुई, तो सब लोग सबसे पहले उसका मजाक उड़ाते हैं। तो बल्कि ये सोचिए कि अगर किसी बात पर आपका मजाक उड़ाया गया है क्लास में, तो इसके अंदर ही कोई नई बात छुपी हुई है जो कि किसी और ने नहीं सोची अभी तक, इसलिए वो मजाक उड़ा रहे हैं। तब क्रिटिसिज्म से नहीं घबराना, और अगर कोई मजाक उड़ा रहा है उससे नहीं। अगर आपने ये दोनों काम किए, फिर आप देखेंगे ये बहुत कमाल के साइंटिस्ट आ गए। एक फिल्म है, बहुत पुरानी वेस्टर्न फिल्म है, उसका नाम है द गुड द बैड एंड द अगली। किसी ने देखी है? आपने देखी? इट्स रेटेड एज वन ऑफ द बेस्ट वेस्टर्न मूवीज, वेस्टर्न मूवीज नहीं होती जो उसमें यूं करके वो निकालता है कंकड़ वापस पे डाल देता है, ये जो स्टाइल वाले लोग होते हैं, द गुड द बैड द अगली। इसमें हमेशा जो बहुत बुरी और अगली सिचुएशन है उसमें से भी कुछ अच्छा ढूंढते हैं, टू मेक एन अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ अ चैलेंज और एडवर्सिटी इन लाइफ। आपकी जिंदगी में कोई एडवर्सिटी आ गई, कोई बहुत मुश्किल आ गई है, और उसमें से भी कुछ अच्छा ढूंढ ले, ये बहुत कमाल की बात होती है, और इससे एक बहुत पॉजिटिविटी का एहसास होता है चीजों के हवाले से। इससे क्या मतलब है? फ्लेक्सिबिलिटी। ऊंच नीच,
ऊंच नीच तो फिर अप एंड डाउन हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहलाएगी? कंपैटिबिलिटी, क्लोज फिट, फ्लेक्सिबिलिटी। आप आपकी क्या, अच्छा आप में से जिम्नास्टिक कौन करता है? 2, 3, 4 जिम्नास्टिक आप क्यों करती हैं? बाकी आप क्लास फेलोज वो नहीं करते, क्या कहते हैं? हाँ, उनसे किया नहीं जाता, पता क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कम है, उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। लचक, लचक टू मोल्ड योरसेल्फ। जो आप देखे जिम्नास्ट होते हैं ना, वो यूं करके अपनी टांगे फैलाते जाते हैं और वो बिल्कुल ऐसे ही बैठ जाते हैं सीधे। आपको आता है? करके दिखाओ, करके दिखाओ, आप की तरह देखिएगा फ्लेक्सिबिलिटी या चीज देखिए। अभी पतलून की वजह से नहीं कर रहे हैं बात। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी, शाबाश बेटे। लेकिन ये है फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी। इस फ्लेक्सिबिलिटी का हम जिक्र कर रहे हैं, ये मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। उस एविडेंस को कबूल करे, ओपन माइंडेड। वो फ्लेक्सिबल है, वो ये नहीं कहता कि नहीं बस ये क्यों सही है क्योंकि ये मेरे अप्पू कहते हैं, ये क्यों कहते हैं क्योंकि ये मौलवी साहब कहते हैं, ये क्यों है क्योंकि मेरी दादी अम्मा ने कहा है, नहीं मेरी इस्लामियत की टीचर ने, मेरी साइंस की टीचर ने ये कहा है, इसलिए बाकी सब जो झाक मार रहे हैं। ये इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप कहते हैं कि हाँ हम आप रोज हम देखते थे चरखा कातरी है, कहते थे वो देखो वो यूं यूं, हमें लगता था हम चांद तक देख सकते हैं। बाद में जब मुझे पता चला कि मैं तो दीवार भी नहीं सही से देख सकता, ऐनक लग गई, और वो अम्मा मुझे फिर भी नजर आती रही, तो फिर मैंने कहा कि ओहो तो असल में मुझे नहीं नजर आ रही, ये तो चक्कर है, मुझे तो दीवार तक नहीं नजर आती सही से, चांद पे कैसे मैं देख रहा हूं? क्योंकि मुझे सजेस्ट कर दिया था मेरी अम्मा ने, इसलिए मैंने वो देखना शुरू कर दिया। अपनी बात समझ रहे हैं? तो ये चीज को अंडरस्टैंड करना, जब एविडेंस आई, अपोलो ने वहां लैंड किया, वो सारी जगह देखी, तो उन्होंने कहा कि लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट हियर बिकॉज़ देयर इज नो ऑक्सीजन, पर हर चीज फ्लोट कर रही है। तो चरखा अगर रखा होता जमीन के ऊपर तो वो हवा में होता। आपने बेटा चरखा देखा कभी? कभी नहीं देखा, नाम सुना चरखे का? एक तो उल्लू का चरखा होता है ना, ये वो नहीं, एक वो है जिसे सूत पहले कपड़े जो थे ना उनके लिए जो थ्रेड होता है ये बुना करते थे घर में खवाती, अब तो ये लूम्स पे बुना जाता है ना, वो कॉटन से ना उसमें से धागा बनाते थे, तो उस गैजेट को, होम गैजेट को चरखा कहा जाता था, जिससे कि रुई से धागा बनाया जाता था। तो जब अपोलो वाले वहां गए और उन्होंने हमें बताया कि एक्चुअली वहां पे ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो हम फौरन मान गए ये वाली बात कि अम्मा जो हमें बता रही थी वो बहला रही थी, वो चाहती थी कि आप चांद की ठंडक को देखें, रात को देखते देखते आपकी आंख लग जाए, इसलिए कहती थी, प्यार के मारे कहती थी, वो कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं था। अगर मैं इनफ्लेक्सिबल होता तो मैं कहता हूं कि अपोलो वाले झूठ बोल रहे हैं। ये फर्क आपने देखा? बस ये हम कह रहे हैं आपसे, और ये भी आप हमेशा याद रखें, जब आप इन्वेंशन कर रहे हो परफेक्टली ओके टू मेक दिस ओके। बादलों का ये ख्याल है कि बगैर कुछ पढ़े अचानक ख्वाब में आपको इन्वेंशन आ जाती है, ऐसा नहीं। ख्वाब में आपको वही चीजें आती हैं जो आप जानते हैं थोड़ा सा, फिर उनके सॉल्यूशंस आपके दिमाग में जरूर आ सकते हैं, लेकिन पहले जी क्या ख्वाब हम बना रहे होते हैं बेटा? ख्वाब हम खुद ही बना रहे, आपको कैसे पता लगेगा कि ख्वाब हम खुद बना रहे? आपको पता कैसे लगाएंगे? कैसे पता लगा? आपने ख्वाब कैसे बनते हैं इसके बारे में कुछ पढ़ा है? पढ़ा है कुछ नहीं, तो इसलिए आप ये तय कर लीजिए आप दोनों भी और आप भी कि कोई चीज जो आपने पढ़ी नहीं है उसके बारे में पहले पढ़ें, फिर उसके बारे में राय दें। जो आपकी वैसे ही राय है ना वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ने के बाद वो बेहतर हो जाएगी।
Okay, so it is important therefore all the time to raise a question. देखिए ना, अभी मैं बात आपसे शुरू करता हूं, आपको उसका जवाब बताओ क्या. आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप और पढ़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे तो आपको जवाब आने कम हो जाएंगे, सवाल आने ज्यादा हो जाएंगे. ये टाइम होता है जिसका मतलब है कि अब आप एक मैच्योर थिंकर बन गए, बिकॉज देर आर मोर क्वेश्चन इन योर माइंड देन द आंसर्स. पर जब अभी आप छोटे होते हैं तो फिर आपके पास आंसर्स बहुत होते हैं, लेकिन वो आपके आंसर्स नहीं होते, वो आपके सीखे सिखाए आंसर्स होते हैं. किसी किताब से पढ़ लिया, अम्मा ने बता दिया, अब्बा ने बता दिया, इसने बता दिया, उसने बता दिया, वो हमने प्रोसेस करके उसको चेंज चूंज करके और अपने नाम से हम उसको जवाब को दे देते हैं. तो थोड़ा सा इंतजार एंड ऑलवेज कम अप विद. जब आपने उस चीज के बारे में एक्सटेंसिवली पढ़ा ना हो, उसके बारे में डिटेल नॉलेज ना हो, तो यू से अ साइंटिस्ट ऑलवेज सेज इफ ही हैज नॉट रेड इनफ एंड ही डज नॉट हैव अ फाइनलिटी इन दैट आंसर, ही वुड से आपने ये भाईजान को देखा, उनको एक चीज नहीं आती थी, उन्होंने उसके ऊपर चिक्का नहीं मारा कोई, उन्होंने कहा नहीं आया. फिर उन्हें एक चीज आती थी, उन्होंने कहा कि ये मुझे बताओ. ये बहुत जरूरी बात था. लाइक डोंट थिंक दैट यू नो एन आंसर टू एवरीथिंग. नोबडी नोज आंसर्स टू एवरीथिंग, बट यू कैन हैव आंसर्स टू मोस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइडेड यू हैव reading, read as much as possible from the net, from the book, from the library, from the newspapers, magazines, scientific journals, kuch bhi padhiye. Jab aap padhenge fir zyada inventive ho jayenge, fir zyada creative answers aap karenge. Aur iske liye chahiye ye. Ab hamare ek janne wale hain, unke bete se main puch raha tha कि बेटा आप ये सुना है, आप बुक बता रहे हैं कि अच्छे ग्रेड नहीं आते. कहने की मुझे नहीं पता क्यों अच्छे ग्रेड नहीं आते, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे होते. मैं कभी ये क्या बात हुई, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं कि मेरे तो बड़े अच्छे बच्चे होते हैं, फिर पता नहीं क्यों मेरे नंबर नहीं आते. मैंने कहा बच्चे कैसे, तो कहते मैं मेहनत बहुत करता हूँ. मैंने कहा बेटा जरा एक दिन का स्केड्यूल बताइएगा. जब ये छुट्टियां हुई थी आपको इम्तिहान के लिए तो कितनी छुट्टियां थी, कहने लगे 4 हफ्ते की छुट्टियां हुई. मैंने कहा बेटा फिर आप उस दौरान में किस तरह पढ़ते थे, कहने लगे बस मैं ठीक 1 बजे उठ जाता था. मैंने कहा रात के 1 बजे, रात के 1 बजे तो मैं सो रहा होता हूँ, दिन के 1 बजे में ठीक 1 बजे उठ जाता था. फिर उसके बाद फिर मैं खाना खाता था, आपको पता ना मेरी अम्मी खाना बहुत अच्छा पका थी, तो मैं 2:30 बजे तक खाना खाते रहता. उसके बाद फिर मुझे नींद आ जाती थी, तो फिर मैं ठीक 6 बजे दोबारा उठ जाता था. फिर मैं पूरा घंटा पढ़ता रहता था, यानी कि अच्छा 6 से 7 यानी मुसलसल मैं पढ़ते रहता था. हाँ 7 बजे तक मुसलसल पढ़ता था, फिर बस मैं थोड़े से वीडियो गेम्स खेले 11 बजे तक, थोड़ी सी सर्फिंग की, फेसबुक पर गए तो 1 बजे जाता था, फिर मैं सो जाता. पर्चे बहुत अच्छे हुए, रिजल्ट खराब है. ये जो कुछ वो कर रहे थे वो अनफॉर्चुनेटली इसमें हार्ड वर्क के अंदर. अब इस सिचुएशन को आप रिवर्स कर लीजिए और सुबह 6:30 बजे उठ के अगर रात के 1 बजे में परसिवेरेंस है, काम है बहुत सारा, तो फिर आप देखेंगे कि इन्वेंशंस होने लगेंगे हार्ड वर्क के अंदर. लेकिन फिर बात नहीं आ रही जहां से हमने शुरू. ओके नाउ let me give you a very simple tarika of going around in a circle ke aap kis tarah se practically aaj ke baad apni life ko change kar sakte hain to become an inventor. And the first thing that is required
ये ओरिजिन्स वो चीज थी जिसकी मैंने अभी बात की थी आपके साथ, जब आप बहुत चीजों के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, उसकी ओरिजिन के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कैसे हो रहा है, प्रोसेसेस को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर आप अपनी एनहेंस करते हैं ओरिएंटेशन और प्रिपरेशन करते हैं उस काम के लिए जो आप करना चाहते हैं, जो भी काम आप करना चाहते हैं। अगर ये दोनों चीजें आप कर लें तो आपके दिमाग में जो आइडियाज आएंगे आउट ऑफ दैट हार्ड वर्क, उनके ऊपर फौरन जवाब नहीं आएगा। इंक्यूबेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज इंक्यूबेशन एनीवे? अच्छा ये बताएं कि अंडे में से चूजा कितने दिन में निकलता है? 21 या 31? एग्जैक्टली, इनक्यूबेटर एक ऐसी चीज को कहते हैं जहां पर आप अंडे को रख दें और एक खास टेम्परेचर, प्रेशर और एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दें तो वो मैच्योर हो जाएगा। मुर्गी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुर्गी भी एक्चुअली इनक्यूबेट करती है, वो 21 दिन तक वो कुछ नहीं करती और अंडे में बैठी रहती है। लेकिन इनक्यूबेशन में हमेशा ये इनक्यूबेशन नहीं है कि अगले 75 साल इनक्यूबेशन कर रहे हैं, टाइम बजटिंग टास्क स्टेप 1 10 days, स्टेप 2 10 days, स्टेप 3 days, आंसर। पब्लिकेशन, अभी कितने दिन हुए? 27। ये टाइमलाइन है, ये भी है कि हर किसी ने यही टाइमलाइन फॉलो करनी है, डिपेंड करता है कि वो क्या काम कर रहा है। हर चीज की अपनी टाइमलाइन जरूर बनाए, फिर ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर आता है कि मुझे ये काम कंप्लीट करना है। जब उसके ऊपर प्रेशर आता है और स्ट्रेस आती है तो वो बहुत जल्दी आंसर निकालता है, तेजी से करता है। अगर आपके पास इनफिनाइट पीरियड होगा तो फिर वो आंसर्स नहीं निकलेंगे। इसलिए यू मस्ट हैव अ टाइमलाइन, डेडलाइंस रखिए अपने सामने, तो फिर आपको बहुत जबरदस्त आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। एंड दिस विल बी कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम बजटिंग। मेंटोस क्या करता है? मेंटोस और वो गधा वो उसी तरह से भागते रहते हैं गाजर के पीछे। लेकिन एक घिसक आप ये वाला काम करते हैं ना, ये वाला, फिर बत्ती जलती है एकदम फटाक, एकदम आंसर आता है ये। लेकिन देखिए कि बात यहां खत्म नहीं हो रही, हर साइंटिस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने से किसी ज्यादा सीनियर, ज्यादा पढ़े लिखे हुए साइंटिस्ट के साथ लिंकअप। मैंने बहुत दिन पहले ये पिछली दफा दी और उससे पिछली दफा दी ये एक रिकमेंडेशन दी थी कि आप लोग जितने भी साइंटिस्ट्स हैं सिक्स में, ये सब लोग इन बच्चों के साथ परमानेंटली लिंक हो जाए और एक एक्सेलेंट क्लब बनाओ। उस एक्सेलेंट क्लब में आप सब लोगों के पास एक मेंटर हो, यानी 5 लोग हैं उनका एक मेंटर है, आप उनके इन 5 के मेंटर हैं, ये इन 5 के मेंटर हैं, वो इन 5 के मेंटर हैं, इस तरह से मेंटर बन जाए और फिर वो ये काम करें, help these children in verification of what they are saying, scientific verification, and help them develop a publication, and Sikhs can produce a publication. आपका एक रिसाला साल में निकले based on the workshop people of excellence, कि उन्होंने यहाँ से जाकर क्या काम, otherwise we've lost those people who came on those the initial 18, you have no connection with them. This is what I think is very important in life, to link up with those people who have already achieved so much in life. So, आप सबके पास एक एक mentor होना चाहिए, इसके साथ help करें आप to actually do this phenomena.
क्योंकि जब भी आप कोई आइडिया देंगे जब तक आप इसे पब्लिश नहीं करेंगे तो बाकी साइंटिस्ट उसके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे. दिस इज कॉल्ड, ये लव आपको पक्का पता लग जाना चाहिए, साइंटिस्ट के लिए ये लव बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मुश्किल से लफ्ज है लेकिन आप याद कर लीजिए. पीयर रिव्यू का मतलब होता है कि आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आपके काम के ऊपर तनकीदी निगाह से देखते हैं और कहते हैं इसमें ये गलत हुआ है, इसमें ये गलत हुआ है, इसमें ये सही हुआ है, इसको इस तरह से बेहतर किया जा सकता है. आप यही चाहते हैं ना. आपके बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो हेल्प करते हैं ये जो वो कर रहे हैं. सारे देखिए नहीं नहीं बकरे नहीं गए, वो ये कर रहे हैं. He is reflecting. वो सुन रहे थे सारा कुछ, आंखें बंद करके, है ना, सुन रहे थे ना जो भी मैं कह रहा हूँ. आई नो आप सुन रहे थे, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सुन रहे थे और साथ साथ आंखें बंद करके सोच रहे थे कि क्या कहा जा रहा है, सही भी है, गलत है, कैसे है. तो दिस इज रिफ्लेक्शन. और रेस्ट भी लाइफ में बहुत जरूरी, खेलना भी बहुत जरूरी और सोना भी बहुत जरूरी. ये तीनों चीजें करनी है लेकिन यही नहीं करते रहना. वो जो से मैंने आपको सुनाया उनका मोहतरम का जो एक घंटे काम करते थे और बाकी और ये करते दिल लगा के पूरी जिद्दोजहद के साथ खाना खाते थे ढाई घंटे से. तो ये नहीं कह, ठीक है. इफ यू आर एबल टू डू दिस देन आई थिंक यू वुड बी इंशाल्लाह अ वंडरफुल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो आइडियाज आते हैं ना इंसान, ये सबसे ज्यादा उस वक्त आते हैं जिस वक्त आप छोटे होते. तो ये जो छोटा सा बच्चा है आपके अंदर, अभी तो आप सबके अंदर ये छोटा सा बच्चा अभी की उम्र का है, लेकिन मेरे अंदर भी एक छोटा सा बच्चा है, ये भाईजान के अंदर भी एक छोटा सा बच्चा है. और जो नए नए आइडियाज देता है, अगर हम इस छोटे से बच्चे को मार दें और इस छोटे से बच्चे को लिफ्ट ही कोई ना कराए तो फिर हम साइंटिस्ट नहीं रहते. बहुत जरूरी है कि इस इंक्विजिटिव से क्वेश्चन पूछने वाले बच्चे को स्तर आप अपने अंदर, तो फिर आप इस बात को भी इंश्योर कर लें कि सिर्फ बच्चा होना जरूरी नहीं है जिंदगी में, बड़ा भी होना होता है. और बड़ा वो होता है जो कि क्रिटिसिज्म लेता है, नए नए आइडियाज को दूसरे लोगों से टेस्ट करवाता है. बच्चा तो शेयर ही नहीं करता, बता ये तो मेरा ज्योमेट्री बॉक्स है, ये तो मेरा मार्कर है, ये तो मेरा पेन है, इसके अंदर मेरा बहुत होता है, मेरा तेरा मेरा तेरा. ये बच्चा है, क्योंकि जो बड़ा होता है वो शेयर करता है. और शेयरिंग की बात आपने आज कहां सुनी थी, कहां सुनी, कहां आपने शेयरिंग की बात. जब आपने आइडियाज की बात की थी, शेयरिंग की बात की थी और यहां भी शेयरिंग ही की बात की. क्या हमने यहीं से बात शुरू की थी ना, हमने ही बात खत्म हो गई. अब आप अगर और करें इन सारी रिप्रेजेंटेशंस पे, तो जितनी बातें हमने आपसे की हैं वो सारी यहां लिखी है. एक और तरीके से अल्लाह ने लिखी है लेकिन लिखी ये मैं creative thinking in a nutshell for all of you. Thank you very much. Questions? जो आप कहते हैं कि जब भी आप ऐसा नहीं सोच रहा कोई नेगेटिव कि अगर मैं यूं करूं तो सब लोग हंसेंगे स्कूल में, ये होगा होगा, लेकिन इतना तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर मैं अगर कोई चिट्ठी पहन के स्कूल में चली गया और कहे ये कोई न्यू चीज होगी इसमें, मैं साइंटिस्ट हूँ, उसका अगर तो आप अगर तो आप ये प्रूफ कर सके कि चप्पल पहनने से लर्निंग ज्यादा होती है, पहले आप ये आइडिया प्रूफ करें, पीयर रिव्यू करें, पब्लिश करें, चप्पल एनहांसेस लर्निंग, चप्पल पहन के जब वो छप जाए सारी जगह एक्सेप्ट हो जाए कि यस चप्पल एक्चुअली इंप्रूव्स लर्निंग, उस दिन आप पहन के चले जाए. ये कहने कि मैं क्योंकि साइंटिस्ट हूं इसलिए मैं निकर में आया हूं, मैं चप्पल में आया हूं, मैं नंगे पांव आ गया, मैंने अपने दांत ही नहीं साफ किए क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूं, मैं फॉल आउट हूं कॉलेज में बिकॉज जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं वो फॉल आउट होते हैं कॉलेज से, ये साइंटिस्ट होना नहीं है. आप वो काम करते हैं जिसके लिए पहले एविडेंस होती है, पहले आप उसे प्रूफ कर चुके होते हैं, उसके
अच्छी बेसिस होती है, थॉट नहीं होती, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कमिंग अप विद ए सॉल्यूशन, कमिंग अप विद एन इन्वेंशन, अ न्यू आइडिया, देन चप्पल पहन के चले जाना तो बदतमीजी कहलाएगी और वो जो आपके सिस्टम्स बने हुए हैं स्कूल के उनको चैलेंज करना कहलाएगा। अगर आपने प्रूव कर दिया तो फिर सारे बच्चे पूरे स्कूल के चप्पल पहन के आएंगे और सब ये कहेंगे कि इनकी वजह से हमने चप्पल पहननी शुरू की और जिस दिन से चप्पल पहनी है हमें हिसाब अच्छा समझ आने लगा। समझेंगे आप? अब तो रैंक से सवाल जी, आप इतने बड़े बंदे किस तरह बने? लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि हमने जिंदगी में कुछ ना कुछ मेहनत जरूर की, ये हम आपसे जरूर कहना चाहते हैं कि हमने उस तरह से वो जो हमारे दोस्त के बेटे हैं उस तरह जिंदगी नहीं गुजारी, ने कुछ मेहनत की है। और लेकिन मुझे ये बताया कि जब आप लोग 53 इयर्स के होंगे तो यू विल रियली बी अ बिग मैन, आई एम नॉट बट यू विल बी इंशाल्लाह व्हेन यू विल बी 53। जैसे मैंने कहा मुझे विषय ये मैं सोच से यहाँ आता हूँ कि आप किसी कोई ना कोई फ्यूचर का नोबेल लॉरिएट है पाकिस्तान, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। I just created a new thing. Yes. To make electricity for Pakistan. Nagri River. Electricity. But this is a very big challenge, na? Electricity. But this is a very big challenge. 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 आप पहले बनाए उसको, बना के दिखाएं, दिखा के फिर पीयर रिव्यू करवाएं, फिर उसे पब्लिश करें, फिर ये आइडिया मैच्योर होगा। हाँ, लेट्स वर्क ऑन दैट, लेट्स टेक इट फर्दर। उन्होंने पब्लिश किया है,